5G यार, क्या आपने सोचा था कि 2019 में ही हमें 5G मिल जाएगा? मैंने तो नहीं सोचा था, मगर रियलमी ने सोच लिया था कि हम 5G 2019 के अंदर लेके आ जाएंगे। और हाँ गाइज, यहाँ पे माधव सर की तरफ से एक ट्वीट आ चुकी है कि हम रियलमी एक ऐसा ब्रांड होने वाला है, फर्स्ट ब्रांड जो 5G इंडिया के अंदर लेके आने वाला है, और एक बहुत ही बड़ी बात है। इस वीडियो में अभी बात करेंगे, इनकी एक ट्वीट आई है तो इस वीडियो में पूरा देखिएगा। और एक और बात है यहाँ पे कि रियलमी एक्स के बारे में बिग लीक निकल के आई है कि इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 730 का प्रोसेसर जो कन्फर्म हो चुका है, मैंने पहले ही बता दिया था, आप जाके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो बट इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में भी उसके, तो थोड़ा पूरा देखिएगा। जल्दी थोड़ा को लाइक कर दीजिए और चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि हम आपके लिए इसी दिन में दो दो वीडियो लाते हैं। तो अभी तक कल के दो वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर से देख लेना। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्सनली यहाँ पे यार मुझे ये जो बात है बहुत ही सही लगी कि हमें यहाँ पे रियलमी का एक 5G फोन भी देखने मिलने वाला है, वो भी इसी साल में। क्योंकि अदर कंपनी ने जैसे OnePlus 7 Pro जो है वो बाहर लॉन्च हो गया 5G वाला, इधर नहीं हुआ। S10 Plus जो है बाहर लॉन्च हो गया 5G, बट इंडिया में नहीं हुआ। बट यहाँ पे जो है मतलब रियलमी वाले जो है वो, उन्हें पता है कि इंडिया वाले जो बहुत प्यार दे देते हैं, तो इसलिए वो उधर लॉन्च कर रहे हैं। तो इनकी जो ट्वीट है भाई यहाँ पे माधव सर में, मैं एक और बात मैंने यहाँ पे देखी गई कि इनने जो अपना ट्विटर का नाम है उसको तक चेंज कर दिया है, माधव 5G कर दिया है। और इससे बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज गाइज ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज जब एक CEO अपना नाम बदल दे 5G फ़ोन कर दे, तो आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है। 5G लिख दिया है, मतलब उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है ये, तो लेट्स सी। बट मेरे हिसाब से मेरी एक ओपिनियन देता हूँ मैं, तो ये 5G मुझे लगता है 2019 में आ भी जाता है तो मेन बात है टावर नहीं आए हैं, और ना ही आपको कोई अभी टेलीकॉम कंपनी देती है, ना ही जियो ने अभी तक लॉन्च किया 5G, ना ही किसी ने। तो अब फ़ोन में सपोर्ट कर देगा 5G तो कोई मतलब नहीं रहेगा अभी, तो ये बात है देखने वाली। तो लेट्स सी क्या होता है, वरना 5G फ़ोन तो इनका डेफिनेटली हमें देखने मिलने वाला है, और इनने वहीं ऑफिशियल ट्वीट में अपनी कंफर्म कर दिया है। चलिए गाइस अब आ जाते हैं कुछ रियलमी एक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में भी निकल के आई ये बात कि हमें इसमें स्नैपड्रैगन का 730 का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो इंटरनल लीक आई है और हमें बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी बोल रहे हैं। तो यार मैं बता दूँ, हाँ डेफिनेटली इसमें हमें स्नैपड्रैगन 730 देखने मिलने वाला है, और दो तीन चीज़ें भी चेंज होंगी, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया डील होने वाला है ये फ़ोन। ये 18,000 से 20,000 रुपये में इसका बेस ब्रांड चालू होने वाला है, और अभी तो एक लीक भी निकल गई थी कि इसमें हमें सुपर, इसमें कौन सा वाला, स्पाइडरमैन एडिशन भी देखने मिलने वाला है। तो आई थिंक ये वाला फ़ोन स्पाइडरमैन एडिशन भी होता है, तो आई थिंक डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बात होगी। रियल में एक्स के बारे में कुछ बात करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मैं मिलने वाला है कि 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले, जो कि AMOLED पैनल आता है, और बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, बेजललेस डिस्प्ले हमें देखने मिल जाता है। पॉपअप सेल्फी मिलती है यहाँ पे हमें 16 MP की सोनी के कोई सेंसर के साथ, देन रियर में भी 48 MP का कैमरा मिलता है सोनी 586 सेंसर के साथ, देन 5 MP का डेप्थ सेंसर एक और मिलता है, देन हमें यहाँ पे बैटरी भी मैंने इसे बताया था, बट इंडिया में तो चेंज होकर आएगी। तो डेफिनेटली ये जो फ़ोन है ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो इस यहाँ पे स्पाइडरमैन एडिशन का तो अभी पता नहीं है, बट हाँ एक लीक निकल के आई थी कि इसमें हमें मिल सकता है, तो लेट्स सी मिलता है तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। और गाइस बात करता हूँ रियलमी एक्स के, मतलब बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाला है। यहाँ पे हमें जो है एक, जैसे बताया स्नैपड्रैगन 730 तो एक चेंज मिलेगा ही, जो चाइना से इधर मिलेगा। एक और चेंज होने वाला है कि यहाँ पे इसमें SD कार्ड का स्लॉट भी होने वाला है इस वाले फ़ोन में, तो आई थिंक ये भी बहुत ही बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि उस चाइना वाले में तो आपको SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है। और थर्ड वाले एक पॉइंट बात करता हूँ, वो है कि यहाँ पे हमें वहाँ पे तो 3,700 या 600 mAh की बैटरी मिलती है, और यहाँ पे हमें मिलने वाली है 4,000 mAh की बैटरी, और टाइप सी तो मिलता ही, और क्विक चार्ज 3.0 मतलब वो 3.0 के साथ आता है, तो बढ़िया बात है यार यहाँ पे रियलमी की। तो ये है एक अपडेट निकल के आया था रियलमी की तरफ से, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसका एक वीडियो बना दिया जाए। एंड डेफिनेटली रियलमी एक्स इस प्राइस सेगमेंट में 18,000 से 20,000 रुपये में आता है, तो और वो भी ये 3 स्पेसिफिकेशन बदल देता है रियलमी, तो डेफिनेटली इंडिया मार्केट को एक किल्स कर सकता है। और मेरे हिसाब से रेडमी K20 तो इसके सामने कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हाँ एक डिज़ाइन के मामले में तो रियलमी हमेशा ही मार खा जाता है, वरना और थिंग मेरे हिसाब से फ़ोन में बहुत ही बढ़िया है। मुझे कमेंट कर बताइएगा आपको इस बारे में क्या लगता है, और रियलमी के 5G वाले फ़ोन के बारे में मुझे कमेंट कर बताइएगा इस बारे में क्या ख्याल है आपके। तो बस गाइस वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को लेना सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे दिन में दो दो वीडियो लाते रहता हूँ। और आज का जो वीडियो तब बड़ा नहीं बना, बिकॉज मैं चाहता था रियलमी के बारे में जो भी था मैंने बता दिया, और लेट्स सी 5G तो मैंने जैसे बताया, मैं यही क्वेश्चन बोलूंगा माधव सर को कि यार रियलमी आप लेके तो आ रहे हो 5G, बट मतलब अभी मैं देखूं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी इंडिया को 5G की, बिकॉज अभी तक ना ही 5G टावर बने, ना ही कुछ हुआ है, तो मतलब पहले टेलीकॉम कंपनी लॉन्च कर दे, देन सपोर्ट आता है तो एक अच्छी बात रहती है, फिर तो फिर कंपनी के पैसे कमाने के दिन आ जाएंगे। तो लेट्स सी, वो तो आपको बता ही देंगे जैसे ही 5G आएगा। मुझे जितना लगता है, मैं अपनी लास्ट एक्सपेक्टेशन रख दूँ तो 2020 या 2021 तक तो आपको 5G इंडिया के अंदर मिल जाएगा। जरूर कमेंट कर बताइएगा आपको क्या लगता है कब आएगा। तो बस गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।